संसार के भ्रमण से अति दूर हैं जो, ऐसे जिनेन्द्र पद में नित ही नमो में, संपूर्ण सिद्ध गण को सब साधुओं को वंदु सदा सकल कर्म विनाश हेतु। अयोध्या तीर्थ पर विराजमान समस्त आचार्य परमेष्ठी मुनिराज, मेरी गुरु गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं प्रज्ञाश्रमणी आर्यकारत्न श्री चंदनामती माता जी, आप सभी के चरणों में बारंबार विनम्र वंदन करते हुए बिना किसी भूमिका के कुछ बात अपनी आपको जो मन में आई थी बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वर्तमान विश्व में एक युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, आप लोगों को पता है रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 से ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, एक साल से भी ज्यादा युद्ध को हो गया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 8709 लोग उसमें मारे गए हैं, 14,666 लोग घायल हुए हैं। ये खाली यूनाइटेड नेशंस वालों की रिपोर्ट है, परंतु आप मान के चलिएगा हजारों लोग उसमें पीड़ित हुए हैं, उन्होंने अपनी जान खोई है, अपना घर खोया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं और बच्चे मासूम बच्चे भी मौत की गोद में चले गए हैं। ये विश्व का परिदृश्य है। आप न्यूज़ खोलिएगा, सब जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गृह युद्ध की घटना सुनाई पड़ जाती है, दिखाई पड़ जाती है। अब हम देखते हैं अपने भारत की ओर, तो बेसिक जो बात है वो ये है कि रूस यूक्रेन को अपने अंदर मिलाना चाहता है, वो चाहता है कि उस पर मेरा आधिपत्य हो जाए। मैं बिल्कुल आपको स्थूल रूप में बता रही हूँ, मेरा आधिपत्य हो जाए इसलिए उसने आक्रमण किया और वहां पर उसको पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिसको पुनः अगर पुनर्जीवित करना होगा तो बहुत कठिन कार्य होगा। तो एक ये हिंसा का परिदृश्य है जो पूरे विश्व में किसी ना किसी रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ हमारा भारत वर्ष है, भारत देश है, जिसने कभी भी किसी की एक इंच जमीन को भी अपने अधिकार क्षेत्र में जो नहीं थी उसको लेने का कोई छोटा सा भी प्रयास नहीं किया है। इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं, भारत कभी भी किसी की एक इंच जमीन भी लेना नहीं चाहता, परंतु अगर कोई उसके ऊपर आक्रमण करता है तो पूरी अपनी पावर के साथ उसका उत्तर देने में वो सक्षम है। ये किसका सिद्धांत है? ये भगवान ऋषभ देव का सिद्धांत है। उन्होंने हमको असी क्रिया सिखाई और कहा कि आप इस असी में तलवार तब उठाना जब आपको अपनी सुरक्षा करनी हो, किसी के ऊपर गलत रूप से कोई अपने आधिपत्य करना हो, अधिकार करना हो, ऐसा कोई कार्य आप मत करना। तो ये ऋषभ देव के भरत का भारत है, इसलिए वो असी परंपरा अभी तक चली आई। अब आप दूसरी तरफ देखिए, एक जैन बच्चा होता है, उसको छोटे पद से सिखा देते हैं बच्चे चींटी नहीं मारना, पाप लगता है। वो पूरे के पूरे देश तबाह कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है क्योंकि उनको कोई संस्कृति नहीं दी गई है। हमारे जैन बच्चे को चींटी को नहीं मारने की संस्कृति दी गई है, तो वो बच्चा चींटी को मारने से डरता है। जब बड़ा हो जाता है उसको और ज्यादा समझ में आता है, और जब वो ज्ञानमती माता जी जैसे किसी व्यक्तित्व के संपर्क में आ जाता है तो उसको पता चलता है, व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवर्त्यायां म्रियतां जीवो मावा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। श्री अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ उपाय में लिख दिया कि अगर रागादिक भावों के वशीभूत होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर हमने इस प्रकार से अयतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति की, तो भले ही जीव मरे अथवा ना मरे, हिंसा का पाप लग जाता है। हमको कैसी हिंसा की बात बता दी कि हमने
जीव को मारा नहीं, लेकिन अगर मैंने बिना देखे गमन किया, बिना देखे प्रवृत्ति की, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की, यत्न नहीं किया, तो बिना जीव के मरे भी मुझे दोष हिंसा का लग जाता है। अब आप विचार करिए, एक तरफ वो देश जो पूरे देश को तबाह करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं करते, और एक ही धर्म जैन धर्म जहां पर एक छोटी सी चींटी भी मर जाती, और अगर जीव नहीं भी मरता, केवल अत्याचार पूर्वक प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति हो जाती है, तो मना कर देते हैं कि आपको हिंसा का दोष लग गया। कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है, कितना बड़ा परिवर्तन है, कहां पर हिंसा का तांडव नृत्य और कहां अहिंसा की ये बगिया। तो बंधुओं, मैं आपको एक दो फैक्ट्स और बताना चाहूंगी, आपको समझ में आएगा आगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे यहाँ 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बाह्य तप। बाह्य तप में शुरू से आपको पता होगा एक उनोदर नाम का तप है। कौन सा? उनोदर, भूख से कम खाना, पता है ना। दूसरा एक तप है अनशन, मतलब कि अनशन का मतलब हुआ कि पूरी तरह से उपवास रखना। एक हमारे यहाँ का फैक्ट है रात्रि भोजन नहीं करना। जैनों की सिद्धांत है, जैनों का परिचय है कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। ये 3 फैक्ट्स हैं जो कि हमको, ऐसे बहुत सारे हमारे पास रत्न हैं। अब आप सुनिएगा कि कैसे आज का विश्व इन 3 सिद्धांतों को किस प्रकार से अपने अंदर उतारने के लिए उसको बाध्य होना पड़ा है। आपका जो जैन फूड है आज पूरे विश्व में उसको फॉलो किया जा रहा है। आप जानते हैं इस बात को, आपका जैन फूड के नाम से पूरे विश्व में आपका खाना जैन फूड दैट इज बीइंग फॉलोड बाय होल ऑफ द कंट्रीज। सारे लोगों के द्वारा उस जैन फूड को, शाकाहारी फूड को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए, अब डॉक्टर ने अच्छा बता दिया है। उनोदर, भूख से कम खाना, उसमें आप समझिएगा कि जब व्यक्ति भूख से कम खाता है तो आज के सिद्धांत क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। रेजिस्ट योर इनर हंगर एंड ईट लेस, ये एक सिद्धांत है कि आप अपनी भूख को रोकिए, कम खाइए, तो क्या फायदा होता है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ सेवरल स्टडीज दैट लिंक हेल्दी एजिंग एंड कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स। दीज डाइट्स में हेल्प इम्प्रूव मूड एंड इवन डिफेंड अगेंस्ट एज रिलेटेड डिजीजेस दैट रेविज द बॉडी। हम जो हमारे शरीर के अंदर एक स्वतः प्रक्रिया चलती है बूढ़ा होने की, एज हमारी बढ़ती जाती है, तो अगर हम कम खाते हैं भूख से, अगर हम कम कैलोरी का फूड खाते हैं, तो ये जो बूढ़ा होने की प्रक्रिया है वो स्वतः रुक जाती है, कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। और जो रोग शरीर को मारने के लिए वृद्धावस्था के साथ साथ आ जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, ये आज की साइंस कह रही है। आप जैन धर्म को माने ना माने, आप साइंस की बात जरूर मानते हैं। आप लो कैलोरी फूड को आज साइंस चूंकि कह रहा है तो आप स्वीकार करते हैं। और आपको बताएं, फास्टिंग, उपवास रखना, एक अध्ययन किया गया 2019 में, जिन लोगों का 2001 लोगों के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर अध्ययन किया गया, तो उसमें बताया उन्होंने कि जो लोग फास्ट रखते थे, उपवास रखते थे, उनके अंदर जब कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी की गई तो उनमें से वो लोग, जो लोग उपवास रखते थे, वो 4 साल ज्यादा जिए जिन्हों की, जो कि उपवास नहीं करते थे। और आपको बचपन से बताया गया भूख से कम खाना, सरल खाना और उपवास करना, पुरुषोत्तम उपवास करना, एकासन करना, आपको बचपन से हम सबको बताया गया है। एक और सिद्धांत है रात्रि में भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए कि हमारे जैन धर्म में कहा गया, इसलिए हम नहीं करते हैं। क्योंकि हिंसा होती, इसलिए हम नहीं करते हैं। आज का युवा नहीं मानना चाहता, वो कहता इतनी सारी लाइट्स हैं हमारे पास, इतने साधन हैं, हम रात्रि में क्यों नहीं खाएं? तो इसलिए नहीं खाएं क्योंकि क्या होता है कि जब रात हो जाती है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं बॉडी के अंदर, वो रात्रि में सनसेट होने के बाद कम निकलते हैं, जिसकी वजह से भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, उसको क्या है, उसका नाम है मिलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है, सिक्रीशन है, वो रात्रि में जैसे ही सनसेट होता है वो निकलने लगता है। उसका काम होता है बॉडी को रिलैक्स करना और स्लीपिंग मोड में ले जाना। तो जब बॉडी एक्टिव रहती है दिन के समय, तभी वो पाचन अच्छी प्रकार से कर पाती है। तो ये एक
साइंटिफिक सिद्धांत है कि आप सोने के 3-4 घंटे पहले भोजन अगर करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये उन्होंने बताया कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, बीपी कंट्रोल रहेगा, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल रहेंगे, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बढ़ेगा, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो कि आज के मानव को परेशान किए हैं वो सब बातें उन्होंने इसको नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप लोगों ने सुना होगा, आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है विश्व में इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो जिनके शुगर की, बीपी की, जिनके बहुत ज़्यादा मोटापा है उनके ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरे विश्व में एक सिद्धांत फॉलो किया जा रहा है। उसमें वो 8 घंटा खाते हैं और 16 घंटे कोई भी भारी पदार्थ नहीं खाते, केवल पानी पीते हैं या कोई ऐसा कॉफी वगैरह पीते हैं। तो ये सिद्धांत आपके पास हजारों करोड़ों वर्षों से है, और वो सिद्धांत क्या है, रात्रि में भोजन नहीं करना, भूख से कम खाना, लो कैलोरी फूड खाना। तो आज हम अपने धर्म की विशेषताओं को चूंकि समझ नहीं पा रहे, केवल हम उसको एक मानते हैं कि ये तो परिपाटी चली आ रही है। नहीं बंधुओं, ये परिपाटी नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारे जीवन को जीने की कला है। ये जैन धर्म नहीं है, ये जीवन को सही प्रकार से जीने की कला है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक अनेकानेक रत्न हमारे ग्रंथों के अंदर छुपे हुए हैं। उसके लिए अगर उसको डिस्कस करना हो तो थोड़ा अलग से बात होगी। तो मेरे को आपसे ये कहना है कि हम आज उस भूमि पर, अयोध्या की भूमि पर बैठे हैं कि जहां से ये सब सिद्धांत करोड़ साल पहले उद्भूत हुए थे। ये भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है पारस चैनल के माध्यम से, और यहाँ जो लोग बैठे हैं आप खाली एक पंच कल्याण करने नहीं आए हैं, आप आए हैं उस भूमि पर जहाँ से भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, जो एक संपूर्ण जीवन को जीने की हमको कला सिखाती, पद्धति सिखाती है। तो मात्र ये पंच कल्याणक नहीं है, ये हमारे जैन सिद्धांतों की एक प्रकार से एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। जैन सिद्धांतों को इस विश्व ने यहाँ इस अयोध्या की भूमि से जाना है, क्योंकि ऋषभदेव भगवान यहां पर पैदा हुए और उन्होंने आपको ये सब सिद्धांत दिए। तो अपने बच्चों को जाकर बताना कि ये सब आज भले ही आप रात्रि भोजन में सकुचाते हैं और आप समझते हैं कि ये तो बड़ा पुराना है, हमारे सबके, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो, हम जहां पर जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो लोग हमको क्या कहेंगे कि बड़े ये बैकवर्ड है। आप समझना, जैसे जैन फूड आज फॉलो हो रहा है, आगे आने वाले समय में रात्रि भोजन त्याग भी विश्व स्तर पर फॉलो होगा, और आप जैनियों के पास ये सिद्धांत है, हमारे पास ये सिद्धांत है। तो बंधुओं, आप याद रखना कि ये ज्ञानमती माता जी, ये चंदामती माता जी, ये स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, इन्होंने, इनके अंदर वो पुण्य इन्होंने अर्जित किया है, ये इतने पुण्यशाली जीव हैं कि इन्होंने आज इनके क्रेडिट पर अपना घर छोड़ करके आप यहाँ पर आए। इसलिए आपको पता था कि ज्ञानमती माता जी अगर कोई कार्य कर रही हैं तो वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, हमको सब व्यवस्था मिलेगी, और वो पंच कल्याणक हमारा वास्तव में हमको बहुत ही उल्लास देगा और हमको बहुत अधिक हमारे मन को प्रेरित करने वाला होगा। और आप बता दीजिए, आपकी आशाएं जो है वो पूरी हुई हैं कि नहीं, बताइए। आप लोग जिन भावनाओं को लेकर अपने घर से आए थे, उन आप वो जो अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, आप हैप्पी हैं? ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, सब लोग खुश हैं? तो बंधुओं, आप ध्यान रखना, ये तीन महान विभूतियां अहर्निश प्रयास करती हैं, अहर्निश प्रयत्न करती हैं, रात दिन ये लोग मेहनत करते हैं, और इसलिए इनकी नियत साफ है। आपके किसी क्षेत्र पर उनको अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि अब उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। उनके यश कीर्ति कर्म का स्वयं ऐसा उदय होने वाला है, और अभी है, और आगे ऐसा होने वाला है कि वो तो तीर्थंकर पद के न जाने कितने जीवों का कल्याण करने वाले होने वाले हैं। तो ना उनको किसी क्षेत्र पर किसी अधिकार की आवश्यकता है, ना किसी नाम की आवश्यकता है, उनकी नियत अच्छी है, साफ है। माता जी की एकमात्र भावना रहती है कि हमारे तीर्थंकर भगवान की ये जन्मभूमि है, जहाँ से सब जीवों को जैन धर्म का उपदेश मिला है, उसका विकास होना चाहिए। और अगर आप आए हैं और आपने इसमें भाग लिया है तो आपने भी महान पुण्य का अर्जित किया है, क्योंकि सच्चे लोगों के साथ जुड़ करके ही हमको सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है, और ये हमारे को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे सामने हैं। वो आपके सामने बैठे हैं लाल कपड़ों में, वो कभी
पीठ के ऊपर जो तखत रखते हैं पीठ भी नहीं लगाते हैं, वो 3 बजे से उठ जाते हैं, पूरा आपकी व्यवस्था उन्होंने कितना मेहनत किया 3 महीने से लगातार, एक दिन भी उनका एक क्षण भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने ना सोचा हो कि कैसे हमारे आने वालों की सब व्यवस्था हो। वो चंदामती माता जी हैं, आपकी 720 प्रतिमाएं हैं, सबके ऊपर सबका नाम लिखवाना, सबके ऊपर नंबरिंग करवाना, सबको यथास्थान करवाना, ये सब उनके निर्देशन में चलता है। बंधुओं ये कार्य इतने सरल नहीं रहते, कहने को तो एक या दो क्षण में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत परिश्रम के कार्य हैं और जो इनके परिश्रम को देखता है वही उसकी महत्व को जान सकता है। तो आप लोग जानिए और हमेशा मन में प्रशंसा कीजिए कि हमारे पास ऐसे रत्न हैं जो कि ऐसा कार्य करने में सक्षम हैं। हम उनके कंधों को हमेशा मजबूत करेंगे, हम अगर स्वयं नहीं कर सकते तो हम उनके प्रति अपना समर्पण भाव रखेंगे, हम उनके सच्चे कार्यों के अंदर हमेशा अनुमोदना करेंगे, हमेशा सहयोगी बनेंगे बंधु, और कुछ नहीं होगा, केवल हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। कार्य तो जो होना है सो होगा, केवल हमारे माध्यम से जो हम अपने पुण्य और पाप को अर्जित कर लेते हैं उसमें परिवर्तन आ जाएगा। हम अनुशंसा के भाव रखेंगे, अनुमोदना के भाव रखेंगे तो हमारा अपना पुण्य भर जाएगा, उनका हमसे कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है। तो मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबों को, इसलिए मैंने पूज्य माता जी से निवेदन करके समय लिया, थोड़ा कहना चाहती थी। तो ऐसी दोनों माता जी, पूज्य गणिष्ठ ज्ञानमती माता जी, उनको तो क्या कहें, वो तो उन्होंने तो अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया इस जैन धर्म के प्रति और हम सब के कल्याण के प्रति। वो महान माता तो हम सब का बहुत महान पुण्य है कि वो हमारे जीवन काल में आई, और उसी के साथ उनकी अनुगामनी पूज्य चंदामती माता जी, जिन्होंने हम सब के लिए व्यवस्थित करके माता जी के हर आदेश को कैसे पूरा करना, किस प्रकार से क्या करना, वो सब उनके आदेश से, उनकी प्रज्ञा से होता है। और सबसे ज़्यादा जो वास्तव में करने वाले हैं वो स्वामी रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी हैं। तो ऐसी 3 विभूतियों के मैं बारम्बार भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग क्या हो, बहुत आपका यश भी बढ़े, आपको खूब स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आप लोग दीर्घायु हो, और इसी प्रकार हम सब जैसे अज्ञानी जीवों को भी आप मोक्ष के मार्ग में लगाते रहें, यही भगवान जिनेंद्र से और ऋषभ देव भगवान से प्रार्थना। जुबलियारिका स्वर्णमती माता जी की, इन्होंने जैन धर्म के साइंटिफिक वे को आपके सामने प्रस्तुत किया है, चूंकि ज्यादा पढ़ी हुई है तो इनको साइंटिफिक वे कैसे जैन धर्म में दिखता है वो पूरा पूरा इन्होंने आपको बताया है। एक बार दोबारा जयकार बोलेंगे, जय बोलो स्वर्णमती माता जी की, आरिका चंदनामती माता जी की, आरिका बड़ी माता जी की।